गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, अगर आप एक डेटा ऑपरेटर है या आप कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको ये सेटिंग्स जानना बहुत जरूरी है कि आप अगर कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और कुछ समय के लिए आप बाहर चले जाते हैं और कंप्यूटर के फील्ड में इनएक्टिव रहते हैं तो आपको कंप्यूटर स्कर्स 3 जो है वो ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाए या मान लीजिए सीपीयू जो है वो स्लीप मोड में चले जाए तो वो आप कैसे कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। तो इसके लिए कौन से सेटिंग्स होते हैं और इसके लिए हम लोग कौन सा टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे, आज के टॉपिक में हम लोग इसको सीखने वाले हैं। तो बिना समय को नष्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं इसका सही तरीका क्या है। सो लेट्स गो। जैसे कि हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आज हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर से जुड़े कुछ ऐसे ट्रिक्स, ऐसे सेटिंग्स जो आप लोगों को आना ही चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि मुझे कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखना है या मान लीजिए जब हम काम नहीं कर रहे हैं, इनएक्टिव हो गए हैं तो हमारा डिस्प्ले जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो कौन सा वो सेटिंग है जिसके द्वारा आप कंप्यूटर को स्लीप मोड में रख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग चले जाएंगे विंडो बटन में और यहाँ पर आपको लिखना है स्लीप। जैसे आप स्लीप लिखिएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा जिसे आप देख सकते हैं, चेंज व्हेन द कंप्यूटर स्लीप। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएंगे। इसमें दो ऑप्शन रखा हुआ है, टर्न ऑफ द डिस्प्ले, एक पुट द कंप्यूटर टू स्लीप। जैसे मेरा एक मिनट किया हुआ है तो आप चाहेंगे तो यहाँ एक मिनट से 5 घंटा तक आपका दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि अपना डिस्प्ले जो है वो 1 मिनट के बाद बंद हो जाए, आप चाहेंगे कि 10 मिनट के बाद बंद हो जाए, आप चाहेंगे 30 मिनट्स के बाद बंद हो जाए, आप चाहते 5 घंटे बाद बंद हो जाए, तो वह आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पर 10 मिनट को ले लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं 10 मिनट तक काम नहीं कर रहा हूँ अपने सिस्टम में तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, इसका डिस्प्ले ऑफ हो जाए। अब आते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन में। सेकेंड वाले ऑप्शन में क्या है कि पुट द कंप्यूटर टू स्लीप, या आपका सीपीयू को क्या करता है स्लीप मोड में लेके चल जाता है। इसमें भी वही बात है, 1 मिनट से लेके 5 घंटे तक का समय दिया गया है। मान लीजिए आप अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप कंप्यूटर में एक्टिव नहीं है और आप चाहते हैं कि ये जो है सिस्टम जो है 30 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक अपने आप जो है ऑफ हो जाए, मतलब स्लीप मोड में चल जाए, और फिर आप कहीं से घूम करके आते हैं और फिर आप कोई भी बटन को प्रेस कीजिए तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। तो आप यहाँ पर सेटिंग कर दीजिए, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पर 10 मिनट कर दिया और यहाँ पर पुट द कंप्यूटर टू स्लीप में 30 मिनट्स कर दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इसमें सेव चेंज बोल के ऑप्शन रहेंगे, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव चेंज में क्लिक कर देंगे तो ये कंप्यूटर में ये सेटिंग हो जाएंगे और आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से इसको क्लोज कर देना है बस। अब ये क्या करेगा कि आपका 10 मिनट जैसे ही खुल जाएगा, मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे, एकदम स्टॉप है कंप्यूटर में, तो ऑटोमेटिकली इसका डिस्प्ले जो है बंद हो जाएंगे। और 30 मिनट्स के बाद अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे अपने कंप्यूटर में और 30 मिनट्स तक ये कंप्यूटर आपको देखेंगे, आप कोई काम नहीं कर रहे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है स्लीप मोड में चल जाएंगे। तो उम्मीद रख करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।